इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं परीक्षा में सफल होने के आसान उपाय क्या है, परीक्षा में सफलता किस मंत्र से पाए, सफलता पाने के लिए तीन आसान उपाय क्या है और ये जो है कई बार प्रयोग किए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं परीक्षा में सफलता कौन कौन से मंत्र से कौन कौन से उपाय से हमें मिलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप माँ सरस्वती का आशीर्वाद लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद है आप जिसने भी चैनल को सब्सक्राइबर किया है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीन अलग अलग उपाय, आप इनमें से कौन सा भी उपाय कर सकते हो परीक्षा में सफलता पाने के लिए। तो पहला उपाय दोस्तों, अध्ययन कक्ष में कभी भी कोई कॉपी पेन खुला ना रखिए। आपको पता नहीं होगा कॉपी पेन खुला रखने से होता क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कॉपी पेन खुला रखने से जो हमारी माँ सरस्वती देवी है ये जो है हमारी विद्या को कम कर देती है, क्योंकि ये विद्या का अपमान माना जाता है कॉपी पेन को खुला रखने पर। अकेले अगर खुला रखा जाए और हम बातें भी कर रहे हैं खुला रख कर तो भी विद्या का अपमान माना जाता है, इसलिए माँ सरस्वती जो है हमारी विद्या कम कर देती है और हमें पढ़ाई में सफलता नहीं मिलती है। दूसरे उपाय की बात करें तो हमारा दूसरा उपाय है अध्ययन कक्ष में कॉपी किताबों को हमेशा उनकी नियत स्थान पर अर्थात बैग या अलमारी में ही रखे, अर्थात आपके जिसने भी जगह बनाई है उनके रखने के वहाँ पर ही रखे। यह जरूर ध्यान रखें कि पढ़ाई के मेज कुर्सी टूटी ना हो, कॉपी किताबें फटी ना हो, उन सभी पर जरा भी जो है धूल मिट्टी नहीं रहे, लगातार वहाँ पर सफाई होती रहे। क्योंकि दोस्तों अगर जो यहाँ पर धूल मिट्टी जम जाती है तो नकारात्मकता आती है और हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसीलिए। और किताबें फटी पुरानी हो, पुरानी ठीक है लेकिन फटी हो तो भी हमें जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता है और हमें अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है। उनका जो है ख्याल रखें, अगर थोड़ी फट भी जाती है तो उन्हें ठीक कर ले। अब हम तीसरा उपाय हम बताने वाले हैं, पढ़ने की मेज पर खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खाते समय पढ़ाई की टेबल पर कॉपी किताबें बंद करके खाना खाने के लिए बनाए गए स्थान पर ही खाना खाना चाहिए। इस प्रकार जो हमारी तीनों नियम अपनाने से दोस्तों आपको सभी नियम जो अपनाने चाहिए और इस प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई में सफलता जरूर मिलती है यह तीनों उपाय करने से। और इस प्रकार के जो है उपाय देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।